जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेटर प्लस पर। मैं हूं गौतम और करते हैं बेटे आज के सेशन की शुरुआत। एक बार देखिएगा ऑडियो वीडियो सभी तक सही पहुंच रहा है तो सेशन को आगे की ओर बढ़ाएंगे। जी चलेगा, एक बार देखिएगा सभी तक ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। हाँ जी मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर सर नन ऑफ द अबव या फिर सर नन ऑफ द अबव, जी क्या होगा इसका सही जवाब बताइएगा। जी डन है बेटे बात। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन किसके बेस पे करोगे आप, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के बेस पे या अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के बेस पे या अक्रूअल कंसेप्ट के बेस पे, मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर सर नन ऑफ द अबव। जी तो बताएं क्या होगा यहाँ पर सही जवाब। ठीक है बेटा, तो अकाउंटिंग इक्वेशन बेटा आपने देखा है असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, है ना। असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज की बात करता है और जब असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज की बात करेगा तो वहां पर कहीं ना कहीं हमें देखने को क्या मिलता है सर कि जितना डेबिट होगा उतना ही कहीं ना कहीं क्या होगा बेटे क्रेडिट होगा। जितना सर डेबिट होगा उतना ही सर कहीं ना कहीं क्या होगा क्रेडिट होगा। यानी कि सर ये किसकी बात करता है, डॉयल एस्पेक्ट कंसेप्ट की बात करता है। ठीक है, डॉयल एस्पेक्ट कंसेप्ट की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा बेटा हमारे लिए होगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। जी चलिए बहुत अच्छे, एकदम सही जवाब सभी का। क्लियर रहती है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ जनरल एंट्री इन विच टू और मोर अकाउंट्स आर डेबिटेड एंड क्रेडिटेड इज नोन एज डबल एंट्री सिस्टम, कॉम्प्लेक्स एंट्री, कंपाउंड एंट्री, मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर सर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होना चाहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइएगा। चलिए बहुत अच्छे, वीडियो को बेटा शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, तो यहां पे आपको बोला गया है क्या, एक जनरल एंट्री है जहां पे दो और मोर अकाउंट्स आर डेबिट एंड क्रेडिट है तो क्या बोला जाए इसे। जी बेटे चलिएगा। ठीक, तो बेटा इस केस में यहाँ पे कंपाउंड एंट्री दिया है, कॉम्प्लेक्स एंट्री दिया है। अब यहाँ पे लिखा है बेटा डेबिट और क्रेडिट, किसकी बात कर रहा है बेटा, डेबिट और क्रेडिट की बात कर रहा है। एक एंट्री थी बेटा मेरे पास क्या रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर ये एंट्री मैं कर रहा हूं तो ये एंट्री आपके लिए क्या है, ये सर हमारे लिए कंपाउंड एंट्री है। क्या है बेटा, कंपाउंड एंट्री। ठीक, दूसरी बात क्या कहते हैं बेटा, एंट्री मेरे पास आती है क्या निकल के, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो मल्टीपल डेबिट्स है बेटा, मल्टीपल क्या है यहाँ पे क्रेडिट है। तो इस केस में यहाँ पे जो आपके पास एंट्री होगी इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, कॉम्प्लेक्स एंट्री।
ठीक है जी, इस एंट्री को क्या बोला जाएगा सर? कॉम्प्लेक्स एंट्री बोला जाएगा। क्लियर है इतनी बात तो बताएं। हाँ जी सर, ओके डन है इतनी बात। तो यहां पे बड़ा सही आंसर क्या होगा? कॉम्प्लेक्स एंट्री, बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या लिखा है एंड, यहाँ पे स्लैश नहीं दिया इस बार, मैंने ऐसे नहीं बोला डेबिटेड या फिर क्रेडिटेड, तो यह नहीं है। यहाँ पे क्या एंड डेबिट भी है और साथ में क्रेडिट भी है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट इज गुड्स विड्रॉन, गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज शुड बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर सर नन ऑफ द अबव, या फिर सर नन ऑफ द अबव, ठीक है जी। यहां पे बेटा डेबिट भी है और बेटा साथ में क्रेडिट भी है, दोनों है। अगर एक दो डेबिट हो एक क्रेडिट हो, एक डेबिट हो दो क्रेडिट हो, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। क्या बोलते हैं बेटा उसे? हम कंपाउंड एंट्री बोलते हैं, ठीक है जी। आ रही है इतनी बात समझ? हाँ जी। अब यहाँ पे देखो ना, इसने निकाला क्या है? गुड्स। क्या निकाले बेटा यहाँ से? गुड्स निकाले। और जब भी हम गुड्स विड्रॉन करते हैं बिजनेस से, जब भी हम गुड्स को विड्रॉन करते हैं बिजनेस से, तो वहां पे एंट्री आपकी कुछ इस प्रकार से नजर आती है। क्या? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, एम आई राइट? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये एंट्री होती है। तो जब यहाँ पे आप गुड्स विड्रॉ कर रहे हो तो कहाँ जाना चाहिए बेटा? ड्रॉइंग्स अकाउंट में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपके लिए क्या होगा? सही जवाब होगा, राइट आंसर होगा। ओके जी, कोई दिक्कत चिंता में परेशानी है तो बताएं। हाँ जी जी चलिएगा। ठीक है, डेबिट बोला है बेटे, क्या बोला है? डेबिट टू। कहाँ डेबिट होगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट में। क्रेडिट कहाँ होगा बेटा? परचेज अकाउंट। डेबिट ड्रॉइंग्स अकाउंट में, क्रेडिट परचेज अकाउंट में। आंसर आपके पास आ चुका है ऑप्शन नंबर सी, आई थिंक सो, सभी तक पहुंच गया होगा आंसर। बहुत बढ़िया, चलते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम शैल बी टेकन एज ऑफ अ कैपिटल नेचर, कौन सा इसमें से कैपिटल नेचर के बिहाफ पर नजर आने वाला है? अ सम ऑफ रुपीज 15,000 वाज एन एक्सपेंस ऑन रीइंस्टॉलिंग प्लांट एंड मशीनरी, या फिर सर 12,000 रुपए स्पेंड किए हैं डिसमेंटलिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू द कन्वीनियंट साइट, 1,00,000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ प्लांट ऑफ द न्यू साइट, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर सर नन ऑफ द अबव, या फिर सर नन ऑफ द अबव। ओके जी, तो लिखा है संयंत्र और मशीनरी को पुनः स्थापित करने के लिए 15,000 रुपए की खर्च की गई राशि, सुविधाजनक स्थान पर प्लांट और मशीनरी को तोड़ने पर 12,000 रुपए के खर्च, नई साइट से प्लांट को हटाने के लिए किया गया 1,00,000 रुपए का भुगतान, एक से अधिक सर, या फिर सर इनमें से कोई नहीं, या फिर सर इनमें से कोई नहीं, क्या होगा राइट आंसर बताएं जी। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? अब बेटा यहां पर हम लोग अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की बात करें, अगर यहां पर हम लोग किसकी बात करें? कैपिटल नेचर की बात करें, तो लिखा सम ऑफ 12,000 एक्सपेंसेस ऑन रीइंस्टॉलिंग, मशीन को रीइंस्टॉल कराया है आपने, तो ये कोई बेटा हमारे लिए कैपिटल नेचर का खर्चा नहीं, ये कैपिटल नेचर का खर्चा नहीं है। अगर आप मशीनरी को डिसमेंटलिंग करते हैं, यानी कि एक स्थान से हटा के दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं, एक स्थान से हटा के दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो उस केस में भी ये आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा, ठीक है। और अगर आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी के लिए नई साइट पे क्या करा है, रिमूव किया है, तो उसको भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा,
तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, ए नन ऑफ द अबव। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ए नन ऑफ द अबव। अगर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता, जैसे कि बेटा हम कोई न्यू मशीन इंस्टॉल कराते हैं ना, इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी, ठीक है, उस पर आप लोग क्या करते हैं, खर्चा करते हैं उसको लेके लाने में, ले जाने में, करने में, तो वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है, जबकि हम तब क्या करते हैं मशीन को न्यू खरीदते हैं तब। लेकिन ऐसा यहाँ पर हमारे सामने नहीं है, तो आंसर क्या है बेटा आपके पास, ई नन ऑफ द अबव। ठीक है, आंसर क्या है बेटा यहाँ पर, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट इज, इफ प्रीपेड रेंट गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस विल बी डिडक्ट फ्रॉम रेंट एंड ट्रांसफर टू लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, एड टू रेंट एंड ट्रांसफर टू असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, डिडक्ट फ्रॉम रेंट एंड ट्रांसफर टू असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, या फिर सर मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर सर नन ऑफ द अबव, या फिर सर नन ऑफ द अबव। हाँ जी, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर बताएं। डिडक्ट होगा रेंट से, ट्रांसफर होगा असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ऐड होगा रेंट में, ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड असेट साइड, डिडक्ट होगा रेंट से, ट्रांसफर होगा असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, या फिर सर मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर सर नन ऑफ द अबव, इनमें से सर कोई नहीं। जी क्या होना चाहिए राइट आंसर बताइएगा। चलिए कोई दिक्कत चिंता परेशानी वाली बात नहीं, आराम से करिएगा और आंसर दीजिएगा। बड़ा डिसमेंटलिंग करेंगे अनामिका जी, लेकिन वो आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। ठीक है, किसी मशीनरी को रिपेयर कराना, मूव करना, जब आप फर्स्ट टाइम मशीनरी को लेके आते हो कहीं से, तो उसको आप इंस्टॉलेशन खर्चे में डाल सकते हैं, अन्यथा उसको हम लोग नहीं डालते। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लिखा जाएगा प्रीपेड रेंट, तो बड़ा आपने देखा होगा ट्रायल बैलेंस के साइड गिवन है, तो आप लोग क्या करते हैं जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ठीक है, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, यहां पर मैंने लिखा रेंट 1,00,000 रुपए, माइनस कर दिया मैंने प्रीपेड रेंट 10,000 रुपए, तो यहां से तो मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और जो हमारी बेटा बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट के आप कहां लिखते हैं सर, इसे सर असेट साइड लिखते हैं, कहां लिखते हैं सर असेट साइड लिखते हैं, तो यहां दो तरीके से अमाउंट जाएगा, एक जाएगा बेटा असेट साइड, एक जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपके लिए सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बेटा वो हमारे लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात, चलेगा। नेक्स्ट इज, अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर, डेटर्स, या फिर सर नन ऑफ द अबव, या फिर सर नन ऑफ द अबव। जी बताएं। ओके, चलिएगा। अरे बेटा बात समझ यहां तक। अब देखो बेटा, क्रेडिट परचेज की बात करते हैं, तो क्रेडिट परचेज का मतलब क्या है कि सर जब हमने क्रेडिट सेल्स की बात करी थी, इसकी बात करी थी क्रेडिट सेल्स की, तो सर हमारे पास क्या बनते हैं सर, डेटर्स। क्या बनते हैं बेटा, डेटर्स। अगर हम क्रेडिट परचेज की बात करें, किसकी बात करें बेटा, क्रेडिट परचेज की बात करें, तो ये आपको नजर आते हैं कहाँ पे बेटा, बिजनेस के क्रेडिटर होते हैं। कौन होते हैं बेटा ये, क्रेडिटर, लेनदार जिनसे हमें पैसा देना है, और डेटर्स कौन होते हैं बेटा, देनदार जो हमें पैसा देते हैं। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन आएगा क्या, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स से पैसा लोगे,
तो यहाँ पे क्रेडिटर आपको क्या दिखाएगा, क्रेडिट परचेज, कि कितना पैसा हमें अपने क्रेडिटर्स को पे आउट करना है ऑन द बिहाफ ऑफ क्रेडिट परचेज। ठीक है जी, चलिए। डेबिट द गिवर एंड क्रेडिट द रिसीवर इज अ रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर सर नन ऑफ द अबव, या फिर सर नन ऑफ द अबव, क्या होगा यहाँ पर सही जवाब बताइएगा। डन है बात तो बताएं बेटे, डन है बात तो बताएं कितना होगा यहाँ पे सही जवाब, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, या फिर सर मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर सर नन ऑफ द अबव। ओके, क्लियर है इतनी बात, चलेगा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटे, चलिए जी आंसर कीजिए। और एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। चलिए शाबाश, ठीक है बड़ा। तो यहां लिखा है डेबिट द गिवर, हमें क्या करना है रिसीवर, क्रेडिट द गिवर ना कि रिसीवर, तो किसका रूल हो गया बेटा, ये पर्सनल रूल हो जाता। अब फिलहाल यहां पर तो क्या है, सारी बातें क्या हो गई, गलत हो गई। आंसर क्या आ गया, ई नन ऑफ द अबव, क्या आ गया बेटा, नन ऑफ द अबव। हां जी, रूल उल्टा है तो कोई आंसर नहीं होगा, आंसर क्या आएगा, नन ऑफ द अबव। सर ये रूल फॉलो ही नहीं करता, ये रूल फॉलो ही नहीं करता, होना क्या चाहिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हां जी, ठीक है। नॉमिनल जो बेटा होता है वो होता है ऑल एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम्स एंड रेवेन्यू क्रेडिट, ठीक है, इनकम रेवेन्यू क्रेडिट हो जाता है और ये आपका हो जाता है डेबिट हो जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया था यहाँ पे, ई नन ऑफ द अबव। Which of the following is a capital receipts? कौन सी इसमें से capital receipts है? जो capital receipts है वो आपको बतानी है, subscription, life membership fee, donation for building, more than one of the above, या फिर sir none of the above, या फिर sir none of the above। तो यहाँ पे देखा जाए बेटा, कैपिटल रिसीट्स को आप लोग ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे, सर बैलेंस शीट, कहाँ करते हैं बेटा, बैलेंस शीट में करते हैं। और जब बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हो तो सब्सक्रिप्शन तो सर हम कहाँ लिखते हैं, सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, सर लाइफ मेंबरशिप भी हम लिखते हैं सर बैलेंस शीट में, डोनेशन फॉर बिल्डिंग है सर कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट। एक से अधिक है सर, आंसर क्या आ जाएगा, डी मोर देन वन ऑफ द अबव, आंसर क्या आ जाएगा सर, डी मोर देन वन ऑफ द अबव। क्लियर बात, बहुत अच्छे, एकदम सही जवाब। तो यहाँ पे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फी, ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रांसफर हो जाता है, कहाँ हो जाता है बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रांसफर हो जाता है। चलिएगा, तो डी यहां पर आपके लिए सही जवाब, डी इज द राइट आंसर। चलिए
एबीसी बड़ा पार्टनर है, रेशियो है इनका 7:3:2। फ्रॉम January 1, 2023 दे डिसाइडेड देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 8:4:3। ड्यू टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी विल गेन और सेक्रीफाइस। तो बी का बताना है कि बी सेक्रीफाइस करेगा, गेन करेगा 1/60 से 1/80 से 2/60 से। ठीक है, तो फटाफट से बी का सेक्रीफाइस और गेन निकालना है। तो बी का बेटा देखा जाए तो बी का ओल्ड शेयर है 3/12 माइनस न्यू शेयर है बेटा इसका 4/15। ठीक है, 4/15 तो माइनस बड़ा 1/60। तो भाई क्या कर रहा है हमारा गेन, क्या कर रहा है बेटा गेन, क्योंकि हमने फॉर्मूला क्या लगाया ओल्ड माइनस न्यू, क्या लगाया है ओल्ड माइनस न्यू। तो भाई का आंसर क्या है, माइनस का 1/60, माइनस का 1/60। ठीक है, माइनस का 1/60। तो ए क्या कर रहा है बेटा यहाँ पे गेन कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा ए गेन कर रहा है, आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। डन है बात, चलिएगा 1/60 आ चुका है आपके पास गेन जी, बहुत अच्छे। चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग Not a right of partner. Which one from the below is not a right of partner? पहला right बोलते हैं बेटा right to inspect the book of accounts, right to share the profit and loss with the other partners in their agreed share, right to receive salary at the end of every month या every year, more than one of the above. या फिर सर नन ऑफ द अबव। ठीक है, लेखा पुस्तक का निरीक्षण करना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट को बांटना, सैलरी को रिसीव करना, वेतन को प्राप्त करना, एक में से अधिक, या फिर सर इनमें से कोई नहीं, या फिर सर इनमें से कोई नहीं जी, क्या होगा इसका सही जवाब। कहता है कि जो उसका राइट नहीं है, जो उसका राइट नहीं है उसका अधिकार नहीं है, ये आपको बताना है। नहीं वाला बताना, नहीं वाला। ओके, कौन सा इसमें से राइट नहीं है। हां जी, अब देखो क्या राइट नहीं है आपके पास बुक को इंस्पेक्ट करने का, सर डेफिनेटली राइट है सर, प्रॉफिट एंड लॉस में एग्रीड शेयर में प्रॉफिट देने का, राइट टू रिसीव सैलरी एट द एंड। देखो बेटा सैलरी एक राइट नहीं है, सैलरी क्या है बेटा एक अप्रोप्रिएशन, सैलरी क्या है एक अप्रोप्रिएशन है सर, ये राइट नहीं है सैलरी रिसीव करना, लेकिन बाकी दोनों क्या है उसकी राइट है। तो ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे सी, ऑप्शन क्या आएगा बेटा यहाँ पे सी आएगा सर। क्लियर है बात जी सर। The calculation of interest on drawings on equal amounts drawn at the end of each month. आपको किस तरीके से फॉर्मूला यूज करके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना है। अब यहाँ पे लिखा है बेटा इक्वल अमाउंट्स, तो इक्वल अमाउंट का मतलब हो गया एक फिक्स अमाउंट आप लोग निकाल रहे हैं ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के अंत में। तो कौन सा फॉर्मूला इसमें से यूटिलाइज होगा और जो आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को निकालने में हेल्प करेगा, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को निकालने में हेल्प करेगा, आपकी मदद करेगा जी, बताइएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने में हमारी मदद करने वाला है। दिख रहा है क्वेश्चन सभी को जी सर।
तो सर जब हमें मंथली की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं सर, मंथ की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स। अब टोटल ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है बेटे, कि हमने सपोज करा वो 5000 हर महीने निकालता है, तो 5000 इंटू 12 करोगे आप, क्या करोगे बेटा, 5000 इंटू 12, अगर क्वार्टरली निकालता है तो आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 मंथ के लिए निकालता है तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इसी तरीके से 9 महीने के लिए निकालेगा तो 9 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू रेट बाय 1200 मल्टीप्लाई बाय, अब बोल रहा है एंड ऑफ द मंथ, तो एंड वाला फॉर्मूला हमने सीखा था बेटा 12 माइनस 1 अपॉन में 2, तो 11 बटे 2, ये आपका अमाउंट निकल के आता 5.5, तो यहाँ आप लिखते क्या बेटा 5.5 बाय 12, तो 5.5 यहाँ पे तो कहीं नजर आ नहीं रहा आपको, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा सर, ई नन ऑफ द अबव, इसका भी आंसर बेटा क्या होगा, ई नन ऑफ द अबव। बहुत अच्छे साजिया जी, अनामिका जी, चलिए अंकिता कुमारी, नीतू कुमारी, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटे, तो यहाँ पे ये इसका आपका राइट आंसर होगा, 5000 कहीं दिया नहीं हुआ था, ये मेरा एक अजम्पशन फिगर, ठीक है, ये मेरा क्या है, एक अजम्पशन फिगर है जिसको मैंने अज्यूम कर लिया है। ओके जी, क्लियर है इतनी बात, तो बताएं क्या होगा सही जवाब, व्हाट इज द एक्सेप्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इन अ पार्टनरशिप फर्म, 6% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, 6% सिंपल इंटरेस्ट पर मंथ, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर सर नन ऑफ द अबव, या फिर सर नन ऑफ द अबव, जी क्या होगा राइट आंसर बताइएगा, हाँ जी क्या होगा राइट आंसर बताएं जी, चलिए ए बी सी डी ई, ठीक है भाई, तो यहां पे राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो यहां पे बेटा देखा जाए तो आप लोग देखेंगे क्या कि सर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक, एक तो प्रॉफिट और लॉस, कैसे बटेगा बेटा, इक्वली, और जो इंटरेस्ट ऑन लोन है 6% दिया जाएगा बेटा पर एनम, कैसे दिया जाएगा, 6% पर एनम विद सिंपल इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना, कौन सा बेटा, सिंपल इंटरेस्ट रेट, और सिंपल इंटरेस्ट 6% पर एनम यहां पर कहीं गिवन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ई, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, ठीक है बेटा, आंसर क्या हो जाएगा, ई नन ऑफ द अबव, बेटा यहां पर मंथ लिखा है बेटे, क्या लिखा है, पर मंथ, है ना, क्या लिखा है, पर मंथ, होना क्या चाहिए था, पर एनम, ठीक है जूही जी, अगर बेटा ये पर प्रति वर्ष लिखा होता ना यहाँ पे वर्ष, तो ये ठीक होता, क्वेश्चन में दिया क्या गया है, पर मंथ, ठीक है, क्वेश्चन में दिया क्या गया है, पर मंथ, देखो बेटा आप लोगों ने इतनी प्रैक्टिस करी है, हम लोगों ने इतनी प्रैक्टिस करी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा, है ना, और पिछले 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च पहले भी एस सेट करा हमने, एस सेट के साथ साथ
फिर हमने बीपीएससी भी स्टार्ट किया, ठीक। आप सबको सभी चीजें पता है बहुत अच्छे से, लेकिन एग्जाम में हमारी सबसे बड़ी गलती बस एक है, और वो क्या, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ना। आप लोग बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, और बहुत खुशी होती है जब आप लोग आंसरिंग करते हैं, लेकिन बेटा क्वेश्चन को बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा भी किया करो, तो आपके और ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगी, ठीक है। आप लोगों की कोई गलती नहीं होती, बस एक ही गलती होती है कि क्वेश्चन आप लोग पूरा नहीं पढ़ते, बाकी सब तो सब चीजें बढ़िया हैं। एट व्हाट रेट इज इंटरेस्ट पेबल ऑन द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड एग्जीक्यूटर ऑफ डिजीज पार्ट, ठीक है। 10%, 8%, 6%, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर सर नन ऑफ द अबव, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ बोला तो गया नहीं है बेटे, जब इसके बारे में कुछ बोला नहीं गया है तो हम क्या समझें, हम ये समझें कि सर जी इस पे कितना इंटरेस्ट हमें देना चाहिए, इसने हमें कितना इंटरेस्ट देना चाहिए। हाँ जी, जी बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे सबको पता है बेटा कितना देंगे, अब हम 6% देंगे, कितना देंगे 6%, एकदम सही जवाब सभी का, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। तो यहाँ पे कितना देंगे बेटा हम 6%, हमारे पास सही जवाब निकल के आ जाएगा। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म द डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है सर, कि डेबिट बैलेंस का मतलब है ये एक तरीके से हमें क्या है, लॉस है, एक तरीके से सर हमारे पास क्या है, ये लॉस है, जो आपको कहां नजर आ रहा होगा बेटा, असेट साइड, कहां नजर आ रहा होगा, असेट साइड, ठीक है। और जब ये असेट साइड नजर आ रहा होगा तो इस लॉस को हम बेटा राइट ऑफ करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में करेंगे, ठीक, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में करेंगे। तो ये आएगा बेटा कहां पर, डेबिट साइड, आप लिखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कहां पर बेटा, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सही आंसर हो जाएगा बेटा आपके पास क्या, ऑप्शन नंबर सी, सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बेटे। अगर यहाँ पे लिखा होता क्रेडिट बैलेंस तो हम कहाँ डालते इसको बेटा, पार्टनर्स के क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर देते, ठीक है जी, पार्टनर्स के क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर दिया जाता। चलिए, ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल इट इज अ पेड अप कैपिटल बाय शेयर होल्डर, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल हैज बीन राइट टू इशू, द अमाउंट ऑफ कैपिटल इशू बाय द कंपनी मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर सर नन ऑफ द अबव, या फिर सर नन ऑफ द अबव, शेयर धार द्वारा जो आपकी पेड अप कैपिटल है चुकता पूंजी, अधिकतम राशि, कंपनी के द्वारा जारी पूंजी, उपयोग में से एक से अधिक, या फिर सर इसमें से कोई नहीं, या फिर सर इसमें से कोई नहीं, ठीक है जी। तो क्या होगी आपकी ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल का बेटा मतलब क्या है कि ये वो कैपिटल है जो हमारी रजिस्टर्ड कैपिटल, ठीक है बेटा, रजिस्टर्ड कैपिटल है कंपनी की, रजिस्टर्ड विद आरओसी, है ना, ऐसी कैपिटल जिसकी रजिस्टर्ड कैपिटल है किसके पास, आरओसी के पास, रजिस्टर ऑफ ऑफिस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सर ये वो कैपिटल है जिससे अधिक, जिससे अधिक शेयर हम इशू मार्केट में नहीं कर सकते, है ना, जो कि हमारी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई है, जो कि हमारी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा क्या बेटा आपके पास, बी,
कि सर अधिकतम राशि, ठीक है, मैक्सिमम कैपिटल है जिसे कंपनी क्या कर सकती है, मार्केट में से ले सकती है या फिर कंपनी अपने शेयर्स को इशू कर सकती है, लेकिन इससे ज्यादा शेयर्स कंपनी इशू नहीं करेगी, इससे ज्यादा शेयर्स कंपनी इशू नहीं करेगी। चलिए नेक्स्ट इज एक्स लिमिटेड फॉरफिट 1000 शेयर्स 10 ईच फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ रुपीज 2 ऑन अलॉटमेंट 3 ऑन कॉल। 800 शेयर री इशू बेटा एट द रेट 9 पर शेयर 8 पेड अप, हाउ मच अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, हाउ मच अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है बेटा, हाउ मच अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब यहां पे देखो बेटा, मेरे पास 1000 शेयर्स हैं और 1000 शेयर्स में से 800 शेयर्स तो बेटा मैंने रीइशू कर दिए और 200 शेयर्स मैंने अभी भी अपने पास रखे हुए, 200 शेयर्स मैंने अभी भी अपने पास रखे हुए, और इन 200 शेयर्स में से, इन 200 शेयर्स में से मेरे को फायदा कितने का हुआ बेटा कि 2 रुपए अलॉटमेंट पे और 3 रुपए फाइनल कॉल पे नहीं मिले, तो जो एप्लीकेशन रही होगी उस पर मुझे कितने पैसे मिले होंगे सर, 5 रुपए। इस एप्लीकेशन पे मुझे कितने पैसे मिले होंगे सर, 5 रुपए मिले होंगे। अब ये जो 5 रुपए मिले हैं बेटा, इस 5 रुपए में से जब मैंने रीइशू किया तो मुझे 1 रुपए का भी नुकसान नहीं हुआ, 1 रुपए का नुकसान भी नहीं हुआ, तो फायदा कितने का हुआ सर, 5 रुपए का। सर फायदा कितने का हुआ, 5 रुपए का। सारा का सारा, सारा का सारा मैं कहाँ ट्रांसफर कर दूं सर, कैपिटल रिजर्व में। कहाँ ट्रांसफर कर दूं बेटा, कैपिटल रिजर्व में। तो ये अमाउंट आएगा ऑप्शन नंबर सी 4000 रुपीज। कितना अमाउंट आ जाएगा बेटा, सी 4000 रुपीज। जी चलेगा, तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट इज इफ अ बिजनेस हैज अ फर्म करंट रेशियो 3:1, क्यूक रेशियो 2:1, इफ एक्सेस ऑफ द करंट असेट्स ओवर क्यूक असेट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंट्री 40,000, आपको बताना है करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज क्या होंगी। आपको बताना है करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज यहां पर क्या होने वाली हैं। ठीक है बेटे, तो आपके पास करंट रेशियो दिया है बेटा 2:1, ठीक है, क्या दिया है बेटा 2:1 और 3:1, तो ये तो आ गया 3:1, यानी करंट असेट्स इज इक्वल टू 3 करंट लाइबिलिटीज। ओके जी सर, और बेटा क्यूक रेशियो की बात करूं तो ये दिया है बेटा लिक्विड असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी, और ये रेशियो दिया है बेटा 2:1, तो जो मेरी लिक्विड असेट्स हैं वो बराबर है 2 करंट लाइबिलिटीज के, 2 करंट लाइबिलिटीज के। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अब मैंने यहाँ पे लिखा बेटा क्या, करंट असेट्स और लिक्विड असेट्स का जो डिफरेंस है वो इन्वेंट्री है। क्या है बेटा, वो इन्वेंट्री है, और वो इन्वेंट्री कितनी है, 40,000। कितनी है बेटा, 40,000। अब यहाँ पे बेटा ये आएगा आपका 3 करंट लाइबिलिटीज माइनस 2 करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 40,000, तो करंट लाइबिलिटी बेटा आपके पास कितनी आएगी, 40,000। कितनी आएगी करंट लाइबिलिटी, कितनी आएगी बेटा यहाँ पे, 40,000 आ जाएगी। ठीक, और अगर हम करंट असेट्स निकालें, क्या निकालें बेटा, करंट असेट्स निकालें तो 40,000 × 3 ये आएगा बेटा 1,20,000। क्या आएगा बेटा, 1,20,000। तो बेटा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब, ये आपका सिंबल है रुपीज का। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए को बेटा सही जवाब मानना, आई थिंक सो। कैलकुलेट करके, कैलकुलेट करके सभी का यही आ रहा होगा, 1,20,000 और करंट लायबिलिटी 40,000। जी अनामिका जी, यहां तक सभी का सही है भाई, तो बताएं
Which of the following is not पहुंच रहा बेटा सभी तक स्ट्रीम वेट अ मिनट इसका आंसर दीजिएगा बेटे तो बड़ा यहां पे क्या होगा ऑप्शन नंबर बी कि मशीनरी की बिक्री पर लाभ को यहां पर ऐड नहीं किया जाएगा यहां पर ऐड नहीं किया जाएगा। हां जी चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ बिल रिसीवेबल इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ बिल्स रिसीवेबल रिजल्ट इन डिक्रीज इन कैश नो चेंज इन कैश डिक्रीज इन कैश नो चेंज इन कैश इंक्रीज इन कैश मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर सर नन ऑफ द अबव। जी तो देखो बेटा अगर हम बात करें किसकी बिल्स रिसीवेबल्स की किसकी बात करें बेटा बिल्स रिसीवेबल्स लोग देखेंगे क्या कि भाई अगर आपने गुड्स बेची ठीक है तो अगर आपने बिल्स रिसीवेबल किया है तो आपका कोई कैश इंक्रीज हुआ है क्या क्या कोई आपका कैश इंक्रीज हुआ है या फिर आपका कैश डिक्रीज हुआ है ठीक है बेटा या फिर सर नन ऑफ द अबव। अब देखो बेटा जब हमने गुड्स को उधार पे खरीदा होगा गुड्स को क्या बेटा उधार पे खरीदा है तो हमने बीआर तो रिसीव कर लिया है ना लेकिन हमने जो गुड्स खरीदी है इसमें हमारा कैश तो आउटफ्लो हुआ होगा ना कैश तो कहीं ना कहीं हमारा गया होगा लेकिन अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ उसके बदले हमें क्या रिसीव हुआ है बीआर रिसीव हुआ है क्या रिसीव हुआ है ठीक आज बेटा थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज में आ रहा है ठीक तो यहां पे बेटा यहां पे आंसर क्या हो जाएगा बेटा डिक्रीज इन कैश क्या हो जाएगा डिक्रीज इन कैश ठीक है। चलिए तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और न्यू क्वेश्चंस के साथ ठीक है बेटा। तो जब तक के लिए सभी को बाय बाय हैव अ गुड डे टेक केयर जय हिंद जय भारत।